जोन जाना है ना। नेक्स्ट जोन में आगे वाला पत्थर ले सकता ये हूँ। गलत था, ये गलत था। वांटेड, नेक्स्ट जोन में आगे वाला पत्थर ले सकता हूँ। Okay, so what is up Wanted Army and welcome back to a new video. तो guys, वापस से स्वागत है आपके नए वीडियो के अंदर। इसमें बात करने वाले फिर से एक स्क्रीम्स के वीडियो के बारे में, और इस वाले गेम प्ले में भाई अच्छे खासे किल्स के साथ अच्छा खासा सर्वाइवल आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार ये स्क्रीम्स, मतलब यार स्क्रीम्स तो आजकल मजाक ही बन रहे हैं। पता नहीं जितनी भी अच्छी अच्छी टीम्स आ रही हैं सब बिल्कुल रश खेल के मर जा रहे हैं। अगर आप लोग के कॉन्टेक्ट्स में कोई अच्छी स्क्रीम्स हैं जिसमें लोग T1 में सर्वाइवल खेलें, तो प्लीज़ हमें या फिर हमारे दोस्तों को कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब 66 की लॉबी है, लेकिन कुछ टाइम बाद 28 के होने वाले। लेकिन हाँ, जो बंदे बचेंगे वो लास्ट में जाकर अच्छा खासा सर्वाइवल करने वाले, और हम अच्छे खासे किल्स निकालने वाले इस मैच के अंदर। इस मैच में विकास को रिप्लेस करके हमने एम मोदी ओपी को रखा, क्योंकि विकास कुछ रीजन से ऑफलाइन था और एम मोदी अपने लाइनअप का फिफ्थ प्लेयर एंड एमटीएम और अपना सिक्स प्लेयर है, जो लोग काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे। तो आवर लाइनअप इज कंप्लीटली फुल गाइस, अभी के लिए हमारे पास लोट नहीं है, लेकिन जब भी होगा आई विल अनाउंस ऑन माय इंस्टाग्राम। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो नहीं किया तो कर लेना। इसी के बीच यहां पर हमारी तोवर में थोड़ी सी फाइट हो जाती है एक स्क्वाड के साथ, तो जरा देखो कैसे निपटाते हैं इस फाइट को। इस घर पे जा सकता है? वॉच आउट, आजा आजा आजा, रिवाइव देने जा रहे हो? अबे पिकाचू बहुत आ गया तू, पीछे तो आ जा, मुझे देख देख देख, नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा। वॉच आउट, नॉक आउट, आ जा एक बचा, आ जा पिकाचू, मुझे देख लो, 1 एचपी हो, नाइस, मार दिया। तो दोस्तों तो बार में पेटियां बना दी गई है, सारा माल अपने नाम कर लिया जाएगा, और सब कुछ लूटने के बाद हमें यहाँ पर M24 भी मिल गई है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से रोटेशन लेने निकलते हैं, हमें तो रस्ते में मिल जाता है द ड्रॉप, और ड्रॉप में मिलती है हमें AWM, यानी कि हमारी प्यारी ओम, जिससे हमने एक से बढ़कर एक चुम्बे वाले हेडशॉट्स लगाए हैं। आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है देख के। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हमें जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करना है। होपफुली आप लोग सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो के लाइक का रहेगा पूरे 1K+ लाइक्स का, वो भी करवा देना। अब यहाँ पर क्या सीन था, हम रोटेशन ले रहे थे कि रस्ते में हमारा थोड़ा सा फाइट होने वाला है। इधर आ रहे हैं, अबे आने तो दे भाई, कवर में हो, ओपन में कर दिए कट्टी, ऊपर से गाड़ी अपने, उधर से गाड़ियां आ गई, उधर जा रही है, निकल गई, निकल गई, ओए लेकिन यार सब मस्ती में खेल रहे, तो हमारे पास भी iPhone XR था, हमने भी ये मैच मस्ती मस्ती में ज्यादा किल्स निकाल लिए। लेकिन इससे कैसे हमारे फ्रैगर पिकाचू एंड मोदी नोक हो गए थे, जिनको रिवाइव मिल गया। अब यहाँ पर इस वाले एरिया में फंस रखा था, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से गाड़ी निकाल के यहाँ से भगने का ट्राई करता हूँ, कि मुझे दो तरफ से स्प्रे आता है, एक जो ऊपर पहाड़ी से जिसने पिकाचू और मोदी को नोक किया था वो वाला, और जो पीछे मेरे साथ में करता वहां से भी स्प्रे आता है। तो मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ता है, नहीं तो वो मेरी गाड़ी फाड़ देते और बहुत बीटी हो जाता। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि चलो पोजीशन अच्छी है, एरिया अच्छा है, पीछे से कवर मिलेगा, मैं रुक जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर ये पता नहीं जो चीनी मिनी होते हैं, इनको कुछ ज्यादा ही M4 चलाने का शौक होता है भाई, चाइनीज फ्लैग लगा के। तो भाई क्या ही टप टप दिया इस बंदे ने, अभी देखना। मैं यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर पीक ही ले रहा था कि भाई क्या ही टैप टैप देता भाई, ये बंदा लिटरल यार मजा आ गया, लाइक बहुत ओपी मेरे भाई, बहुत ओपी। M4 का टैप टैप सिंगल पे बहुत प्यारा मारा इसने, ठीक है। लेकिन हमारे पास भी ओम है दोस्तों, और हम भी इंडियन भी किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर ओम चिपका दी जाएगी, बत्था खोल दिया जाएगा, सीधा हेडशॉट पटाखा देके मारेंगे। उससे पहले जरा हम यहाँ पर एंगल ले रहे थे कि पीछे से हमें कोई मिस्टर डिसरिस्पेक्ट करके एक बंदा हमारी रिस्पेक्ट को डिस करने का ट्राई करता है, जिसको हमारे मोदी ओपी एक चाटा मारने वाले हैं ओम का, और हमने सामने वाले बंदे को एक ओम का चाटा मारने वाले हैं। ये ले एक पेन किलर और एक एनर्जी ड्रिंक ड्रॉप किया। I got supplies. सूरज वैसे बाय द वे बहुत ओपन में था। भाई 7 का एमो ले लिया मोदी। मैं सही हूं बिल्कुल। I got supplies. घर में किया।
तो गाइज वो चीनी मिनी चू वाले फ्लैग को तो हमने एक चाटा लगा दिया उनको, और हमारे मोदी ओपी ने भी एक को लगा दिया। अब यहाँ पर हम रोटेशन के लिए पहले अपनी गाड़ी निकालने ही वाले थे कि सामने की तरफ एक बंदा पीक ले जाए जिसको फिर से चुम्मा वाला हेडशॉट दे दिया जाएगा और वहीं पर लिटा दिया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली पेटे नहीं बना पाएंगे अपने बंदों के पास है वो। इतने में क्या होता है पीछे कोई श्रीलंकन टीम हमारी टीम के ऊपर हमला कर देती है, हमला 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 करके, और हमारे पिकाचू और फ्रैग यहाँ पर शहीद हो जाएंगे दोस्तों, मोदी ओपी और मैं बच्चे। और मैं फटाक से यहाँ पर जाता हूँ कि शायद से हम इस फाइट को अभी भी बचा सके, लेकिन कुछ ऐसा सीन होता है कि भाई हमें मोदी ओपी को लेके यहाँ से भगना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो 2v4 का सिचुएशन था और हम पूरी तरह से डाउन रीच यानी कि डिसएडवांटेज में थे। गाइस कभी भी आप फाइट लेते हो ना, डाउन रीच से फाइट लेना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, याद रखना। पबजी में हाइट और टीपीपी जिसके पास है वो बंदा ऑलवेज एडवांटेज में है, डिवाइस वाला तो ऑलवेज एडवांटेज में होता है, लेकिन हाइट और टीपीपी ठीक है। अब ये मत देखना कि भाई इस वाले जोन में काफ़ी कम बंदे बचे हैं, आप बस गेम की क्वालिटी देखो, मतलब जो लॉबी है उसकी क्वालिटी देखो कि वहाँ पर किस टाइप के बंदे हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल सारे टीम्स पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही रश करके खेल रही हैं। जितने भी और टीवन जो डोमिनेटर्स हैं उनसे पूछना ज़रा कि पता नहीं क्यों भाई सब रश खेल रहे हैं आजकल, क्या ही सीन चल रहा है। हम प्राइवेट लिमिटेड वगैरह के काफ़ी सारे कस्टम खेले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पर सामने की तरफ बेलिकोज एक यानी कि अपना मोदी ओपी एक बंदा नॉक करता है कि नीचे से एक बंदा क्लोज इन कर देता है हम लोग के ऊपर। मेरे पास एमो नहीं है, 26 ही है। एमो दे दे चिराग उसको, 26 है। मैं ये की क्लोज आ गया, नॉक कर दिया। भाई 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 क्या मारे भाई। तो दोस्तों यहाँ पर अपने मोदी जी के द्वारा 1v3 कर दिया गया, और इनके चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दूंगा, भाई जाकर जरूर सब्सक्राइब करो। Realme 3 Pro में बंदा अच्छा खासा गेम प्ले आपको दिखाएगा, कॉम्पिटिटिव खेलता है हमारे साथ, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ लैग। उसके अलावा भाई क्लासिक के मोंटाज डालता है सोलो में, मतलब लाइक अपने क्लैन में जो सबसे पहला बंदा था ना जिसने लीडर बोर्ड पकड़ा था सोलो में, वो अपना मोदी ही था, और इसका रैंक लगभग सीजन 11 के आसपास इसका रैंक कुछ 60 के आसपास था, और लिटरली भाई अपना भी थोड़ा बहुत बनता है कि वहाँ पर लव फ्रॉम वॉन्टेड आर्मी कर दिया जाए दोस्तों। इसी के साथ नीचे की तरफ दो टीम्स का फाइट चल रहा होता है, जहां पर मैं ओम लेके उंगली करने जाता ही हूं कि उसने मुझे सुई चुबो दी, मतलब एक शॉट मार दिया, कुछ वो मत सोचना कि सुई चुबो दी, व्हाट द फक। तो ठीक है, अब यहां पर भाई इसने मेरा हेलमेट उतार दिया था, मैं थोड़ा सीन मिस कर रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ा हगा था बीच में, ओम के शॉट मिस हुए थे, लेकिन यहां पर इस बार दबोच लिया जाएगा, सीधा हेलमेट के ऊपर निशाना बना के तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद बस अब यहां से निकलने का टाइम आ गया क्योंकि हमारे पास हेलमेट नहीं है दोस्तों। 15 बंदे लाए और 15 के 15 काफी अच्छे बंदे रहने वाले, आपको लास्ट में बहुत प्यारा फाइट देखने को मिलने वाला है और प्यारे प्यारे ओम के ओवर शॉट्स मिलने वाले हैं। यहां पर हमने थोड़ा सा अपना हेलमेट वगैरह उठाया और सामने की तरफ से एक बंदा, जरा देखो ये पता नहीं क्या ही कर रहा था, मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि ये किसी पे पीक कर रहा था कि क्या कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है। इसको यहाँ पर हमने एक हेड दे दिया दोस्तों, और इसके बाद जो इसका टीममेट है उसको भी दे सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो यहीं पर ओपन रिवाइव देगा, लेकिन ठीक है भाई दिमाग तो है उन लोगों में, कवर में जाकर रिवाइवल ले रहे हैं। तो इसके बाद जो भी बंदा नीचे कूदने लगता है इसको फिर से हेडशॉट दे दिया जाएगा दोस्तों, वहीं पर दबोच लिया जाएगा। अब यहाँ पर मौका आ गया कि इसके ऊपर पुश कर दिया जाए, तो जरा देखो कैसे निपटाते हैं इस फाइट को। खुदा लेते हैं वहां पे ना, स्मोकर लेके रहा हूं, स्मोकर ले, स्मोकर ले, चल मत करो, देख तुम स्मोकर वो वहां पे बिजी बंदे हैं। गाड़ी भी कर ले इसमें से, तो दोस्तों यहाँ पर इस बंदे ने पता नहीं क्या ही किया, मतलब मैं नाटक कर रहा था या फिर इसको सही में मेरे फुटस्टेप नहीं आए। हो सकता है इसको फुटस्टेप ना आए क्योंकि इसके ऊपर पहले ही 3 से 4 नेड आए थे, और जो नेड की बूम वाली जो साउंड होती है काफी देर तक कानों में रहती है, और आई गेस उसके वजह से इसको फुटस्टेप भी नहीं आए। अब पूरे जोन में सिर्फ 8 बंदे लाए हुए, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम हाइट पर हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि टीपीपी और हाइट का एडवांटेज ऑलवेज रहता है, तो यहाँ पर अभी हम हाइट पर, और यहाँ पर 2v2v1 का सिचुएशन रह गया है जिसमें से 2 बंदे हमारे सामने वाली रेंज पर हैं, 2 हमें, और राइट में एक बंदा
कहीं पर ओपन में लेटा होगा, वो भी आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या सीन है कि हमें पहले अपनी गाड़ी लेकर जोन में आना है, बिकॉज ये वाली गाड़ी तो छोड़ दो भाई, ये तो किसी काम की नहीं है आल्टो कहीं की, इसको तो 5-6 गोलियों में इसका जय श्रीराम हो जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर पहले सामने वालों के मुँह पर स्मोक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि जब आप गाड़ी लेकर निकलोगे और वहाँ सामने से स्प्रे आ गया तो बहुत ज़्यादा बीटी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें राइट में एक बंदा स्पॉट होता है, जहाँ पर वो बंदा स्मोकिंग सेव्स और लाइफ का यूज़ करते करते जोन में आने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एक रैंडम स्प्रे डालकर उस बंदे को भी ले जाएगा। और अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि हम यहाँ पर जाकर अपना जोन लगाएं सामने वाले शैक के पास। एंड अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़े नॉइस आ रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा अपने रूम में नहीं हूँ इस टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीन है, देखो हम थोड़ा बहुत स्मोक करेंगे क्योंकि शैक पर गाड़ी लगाई जाएगी दोस्तों, हमें अच्छा खासा कवर चाहिए शैक का। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड रह गए हैं, अब दोनों का गाड़ी में जाना सेफ नहीं है, इसलिए पहले मैं अकेला गाड़ी में जाऊँगा और अगर कोई मेरे ऊपर स्प्रे लेता है तो मोदी जी के हाथ में हमारे AWM नाम की एक खतरनाक मिसाइल नाम की तोप है, जिसका मतलब काफ़ी अच्छे से यूज़ करना भी आता है हमारे मोदी जी को। लेकिन वो जो राइट साइड में एक बंदा था उसको इजीली निपटा दिया गया था अपने मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पर सामने की तरफ सिर्फ 2 बंदे हैं, अपना क्वाइट एंड क्लियर 2-2 फाइट होने वाला है। और यहाँ पर पहले मोदी जी को बोलता हूँ कि भाई आप गाड़ी लेकर थोड़ा राइट साइड में जाओ, थोड़ा बेट एज अ बेट यूज़ कर रहा था मैं इसको, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना शॉट मिस कर दिया और शुक्र है कि मोदी को इसने उतारा नहीं, नहीं तो बीटी हो जाती। लेकिन दूसरा शॉट नहीं मिस किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या। एम मोदी ओपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगले वीडियो के आने का वेट करना, क्योंकि XR में जो अगले वीडियो आने वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक आने वाले हैं। इसमें एक रश लॉबी थी तो हमने भी रश ही कर दिया। ओम शॉट दिया था मैंने उसको। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is